गोयनका की ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं दे पाई कामगारों को वेतन। प्रमोद गोयनका की ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिब्स में स्थित लिली ज्वेलरी, रॉली ज्वेलरी, यश ज्वेलरी, डैनिया ज्वेलरी और से इंडिया कंपनी, यह सब कंपनियां 2013 में बंद हो गई। इस कंपनी के मालिक प्रमोद गोयनका ने 800 कामगारों को मक्खी की तरह दूध से निकाल फेंका। कामगारों को 13 महीने से वेतन नहीं दिया और वेतन देना पड़े इस वजह से कामगारों को भी बिना बोले काम से निकाला गया। हमारी संवाददाता पूजा गुप्ता ने वहां जाकर उनकी परिस्थिति का जायजा लिया। पीएम 9 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं डिंडोशी पुलिस स्टेशन के बाहर। शिप्स कंपनी के 800 लोगों को निकाल दिया गया, बट क्यों निकाला गया ये रीजन किसी के पास नहीं है, आइए हम जानते हैं। आप बता सकते हैं, आपका नाम पहले बताएं। मैडम, मेरा नाम संजय जायसवाल है। तो आप लोगों को, जितने भी 800 वर्कर्स आप लोगों को क्यों निकाला गया कंपनी से? फरवरी में हम लोग को सबको बुला के सेठ ने, प्रमोद गोयनका ने बोला कंपनी बंद कर रहा हूँ, आप लोग काम देख लो। तो आप लोगों को कोई नोटिस दिया होगा? विदाउट नोटिस हम लोग को सीधा बोला काम से जाओ बाहर, आप लोग काम देखो और निकल जाओ यहाँ से। सीधा इस तरह से हम लोग को स्टेटमेंट दिया। हम लोग फिर भी हम लोग ने कंटिन्यू 4-5 महीना बिना लाइट पानी के वहाँ पे मई तक रहे। फिर बाद में हम लोग को मजबूर होके उनका वेट किया, मीटिंग किया, इधर बुलाए उधर बुलाए, हर जगह से बुला के उन्होंने बोला देता हूँ करता हूँ। लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक है, हम लोगों को ऐसा पता चला है कि कंपनी फिर से खोली गई थी। 2014 में बंद की गई थी कंपनी, लेकिन फिर से 2015 फरवरी में खोला गया था। तो फिर से मतलब आप लोगों ने कोशिश की कि आप लोगों को फिर से काम मिले उस कंपनी? हम लोग ने उनसे मीटिंग के लिए बात किया, डीसी ऑफिस गया, वहाँ बोला, लेकिन हम लोग को जो परमानेंट वर्कर को निकाल के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को रखा है उधर। तो ऐसा आप लोगों को निकाल कर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को रखा गया, लेकिन ऐसा क्यों? कोई इस बात की कोई वजह है? कोई रीजन नहीं, हम लोग को डायरेक्ट निकाल, कोई रीजन नहीं। वो रख रहे हैं, बोला नहीं कर रहे हैं कुछ, सीधा बिना किसी वजह से 800 वर्कर्स को शिप्स कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन इसकी कोई वजह नहीं है। तो आप लोगों का जो सैलरी होगा, आपका जो भी फंड बनता है, आप लोगों को सैलरी देकर निकाला गया या बिना? ऐसी ड्यूज नहीं, हम लोग का कोई ड्यूज नहीं दिया अभी तक का, नहीं दिया है अभी तक। 13 महीने हो गए, 14 महीने समथिंग, कोई ड्यूज नहीं, कोई कुछ नहीं, ना पीएफ, ना फंड, ना बोनस, ना पेमेंट। आप बताइए हमें। मैडम, मैं योगेश कामतेकर, ये ज्वेलरी में 14 साल से काम कर रहा हूँ। हमारा कंपनी 2014 में फरवरी में विदाउट नोटिस कुछ हमको कुछ कंफर्म किया नहीं, कि हमको बोला कि आप काम देख लो इधर से निकल जाओ, उसका वजह कुछ बताया नहीं। फिर भी हम लोग सेठ के साथ मीटिंग करते रह गए, मसाले मतलब बात मसाले से कुछ हो जाएगा, लेकिन उन्होंने हमको कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। आप हमें ये बताइए, जब आप लोगों को निकाल दिया गया, आप लोगों ने एक्शन लिया इसकी तरफ से, तो आप लोगों ने रैली निकालना स्टार्ट किया, तो पुलिस, हम लोगों को ऐसी खबर मिली कि पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, आप ये बता सकते हैं क्यों गिरफ्तार किया? मैं बताना चाहता हूँ, लोग चाहिए कि हुक्म चाहिए? अभी जो हमारे ऊपर अन्याय होता है, हम किस तरह से हम उसको रिएक्ट करें, क्योंकि अभी ये जो चल रहा है, जो हुकुमशाही चल रही है, वो राजकारण की वजह से चल रहे हैं। इन लोगों को सब ये बड़ा नेता लोग का सपोर्ट मिल रहा है, उसके ऊपर से कर रहा है। अभी हमारे पास कोई भी मतलब ऐसा गलत काम किया नहीं, हम कानूनी तौर से सब लीगली कर रहे हैं या मीटिंग कर रहे हैं, फिर भी हमको न्याय नहीं मिल रहा है। हम क्या करें, किस तरह से जाए? हम सब तरह से हमने कायदा का पालन करके सब जगह हम लोग लेटरबाजी करके पीएम के साथ भी हम लोग पत्रव्यवहार किया है, लेकिन हमको कुछ न्याय नहीं मिलता, हम करें क्या? मेरा नाम उमेश घाड़ी है, मैं इस कमेटी का एक सदस्य भी हूँ और सेक्रेटरी भी हूँ। हमने पूरा महाराष्ट्र मुख्यमंत्री, लेबर कमिश्नर, चीफ लेबर कमिश्नर, हमारे कामगार मंत्री और दिल्ली में का जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, उन वहाँ तक और पीएम तक ये बात पहुँचा दी है लिखित स्वरूप में, मगर हमको एक लेटर से भी पूछा नहीं गया कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारे साथ। तो ये आप लोगों से वजह पूछी नहीं गई है? पूछी नहीं गई, तुम्हारे ऊपर क्या अन्याय हुआ, ये क्या तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम ये किस वजह से रास्ते पे उतरे हो, इसकी वजह कोई किसी ने नहीं पूछी। कि आज लोग देख रहे हैं मीडिया, हम लोग का जो भी है मीडिया से भी चल रहा है और न्यूज़पेपर के थ्रू भी हम लोग की न्यूज़ जा रही है, फिर भी एक ने भी अटेंड नहीं किया, किसी मंत्री ने या किसी ने, एक राजनेता ने, किसी ने अटेंड नहीं किया कि भाई ये तुम लोग के खिलाफ क्या हुआ। हम लोग नागरिक है ना भारत देश के, तो एक सवाल किसी ने नहीं उठाया कि भाई तुम भूखे क्यों हो। सचमुच ये लोकशाही है, मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि 68 ईयर्स हो गए
यहाँ मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरे साथ जो 5 कंपनियां बंद हुई विदाउट एनी इंटीमेट किया हुआ उन्होंने, कोई रीजन नहीं दिया कि भाई आपको यहाँ से निकाला जा रहा है, फिर भी इन लोगों ने जो मालिक है वो बोल रहा है तुम जाओ केस करो, मैं सबको मैनेज कर लूंगा, मेरे पास पैसा, मैं दे पैसा डाल के, मैं हर एक को मैनेज करके पैसा डाल के हर डेट के ऊपर डेट निकाल के लेके जाऊंगा। शिप्स कंपनी के 800 लोगों को बिना किसी वजह के निकाला गया, बट किसी को ये अब तक नहीं बताया गया है कि क्यों निकाला गया है। हालांकि कंपनी फिर से शुरू की गई है, बट फिर भी उन लोगों को वापस नहीं लिया गया, नहीं रखा गया। इन लोगों के रैली निकालने पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन कामगारों का साथ न तो प्रधानमंत्री, न ही मुख्यमंत्री और न ही पुलिस ने दिया। अब जानना यह है कि इन कामगारों का साथ कोई देता है या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार में इन्हें इसी तरह से यहाँ वहाँ धक्के खाने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, PM9 न्यूज़, मुंबई।